गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 50, क्लास थर्ड से फिफ्थ तक, मतलब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास के लिए। आज है हमारी डेट 1 सितंबर 2020। आपको यहाँ अपना क्लास और सेक्शन लिखना है कक्षा विभाग के आगे, बच्चे का नाम, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, और यहाँ अध्यापक अध्यापिका, यहाँ आपको अपनी टीचर का नाम लिखना है। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑन योर वे टू स्कूल, अपने स्कूल की तरफ जाते हुए। तो चलिए, यहाँ पर आपको एक छोटे से रैबिट, एक खरगोश के बारे में आपको बताया है, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वाज अ रैबिट नेम्ड चीकू, एक बार एक चीकू नाम का खरगोश था। वन डे व्हाइल प्लेइंग इन द फॉरेस्ट, एक दिन जब वो जंगल में खेल रहा था, ही वेंट फार अवे फ्रॉम हिज होम, तो वह खेलते खेलते काफ़ी दूर निकल गया। बट सून द लिटल चीकू फाइंड हिज वे बैक टू हिज होम, जैसे ही, लेकिन जल्दी ही उसने अपने घर जाने का रास्ता याद आ गया। एज ही हैड ऑब्जर्व्ड अ बिग मैंगो ट्री एंड अ गार्डन ऑफ फुल ऑफ कोकोनट ट्रीज, क्योंकि उसने घर से जंगल में जाते हुए एक बड़ा सा आम का पेड़ और नारियल के पेड़ों का बगीचा देखा था। विच ही हैड पास्ड ऑन हिज वे टू फॉरेस्ट, दिस हेल्प्ड हिम टू फाइंड हिज वे, और इस वजह से उसे घर तक अपना रास्ता ढूंढने में मदद मिली। ठीक है, तो बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, राइट डाउन 3-4 प्लेसेस दैट यू सी ऑन द वे फ्रॉम योर होम टू योर स्कूल एवरी डे। आपको क्या बताना है, 3 से 4 ऐसी चीज़ें आपको, जो आप घर से जब स्कूल आते हो तो कौन सी 3-4 चीज़ें हैं जो आपके रास्ते में पड़ती हैं, वो आपको लिखनी है। जो भी आपके स्कूल के रास्ते में पड़ती है वो आपको यहाँ इन 4 जो ब्लैंक्स है इसमें लिखनी है। मैंने आंसर के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपके रास्ते में कुछ और आता है, जैसे मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल, टेम्पल, बैंक, स्कूल ये लिखा है, अगर आपके में ये हॉस्पिटल, टेम्पल, बैंक, स्कूल ये नहीं आते, कुछ और आता है जैसे पोस्ट ऑफिस, तो आप लिख सकते हो वो पोस्ट ऑफिस, है ना। और अगर और कुछ आता है, चर्च आता है, तो आप क्या लिख सकते हो, चर्च। ऐसी जो भी आपके रास्ते में आता है स्कूल जाते वक्त, वो आपको यहाँ पे 4 चीज़ें लिखनी है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिखा है, पहले क्या लिखा है, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मतलब अस्पताल, टेम्पल मतलब मंदिर, बैंक मतलब जो हमारे बैंक जहाँ से हम पैसे निकलवाते हैं, ये सब काम जहाँ पे पैसों का काम होता है, बैंक, और स्कूल, कोई भी छोटा मोटा स्कूल रास्ते में, दूसरा कोई और पढ़ता हो स्कूल वो। उसके बाद जो हिंदी के स्टूडेंट्स, आपको हिंदी में लिखना है बेटा यहाँ पे अस्पताल, ठीक है, अस्पताल और मंदिर, बैंक और स्कूल, ठीक है। तो ये आपको लिखने 3-4 चीज़ें जो आपके रास्ते में पड़ती हैं। उसके बाद हम अगले पैराग्राफ पे आते हैं। रीड अलाउड द राइम्स विच गिवन बिलो विद एक्शंस, आपको जो ये नीचे लिखा हुई है आपको एक्शंस के साथ ये कविता पढ़नी है, ठीक है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। लिटिल चीकू सेज हेलो हेलो, चीकू कौन था, वो रैबिट, वो खरगोश जो गुम हो गया था, लेकिन उसने, उसको याद आया कि मैंने रास्ते में एक पेड़ देखा था आम का और नारियल का वो देखा था, तो उसको याद आ गया और वो अपने रास्ते को ढूंढ पाया और पहुँच गए, ठीक है। तो लिटिल चीकू सेज हेलो हेलो, His mummy says yellow yellow. Little Chiku says run run. His mummy says jump jump. Mama bunny says never go alone. Baby Chiku says all right mummy. इसका मतलब क्या हुआ, लिटिल चीकू ने बोला हेलो हेलो और उसकी मम्मी ने क्या बोला, येलो येलो, येलो मीन्स पीला। लिटिल चीकू says run और उसकी मम्मा ने क्या कहा, जंप जंप मतलब कूदना, रन मतलब भागना। मम्मा बनी सेज नेवर गो अलोन, मम्मा ने उसको क्या बोला, नेवर गो अलोन, नेवर मतलब कभी भी, गो मतलब जाना, अलोन मतलब अकेले, कभी भी अकेले मत जाना। तो बेबी चीकू ने क्या कहा, ऑल राइट मम्मी, की ठीक है, उनको उसने अपनी मम्मी की बात को हाँ बोला और कि उसने किस चीज़ की हामी भरी कि वो कभी अकेले नहीं जाएगा, ठीक है। And this is how the little rabbit realized that he should not go far away from his home to play alone. तो इस प्रकार छोटे खरगोश ने जाना कि उसे घर से दूर अकेले खेलने के लिए
नहीं जाना चाहिए। उसके बाद आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है नीचे, ये आपको करना है। राइट डाउन एंड लर्न द नेम्स ऑफ प्लेसेस दैट आर नियर योर ग्रैंड पेरेंट्स होम। आपको उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आपके दादा दादी के घर के पास हैं। जैसे कि इसने एग्जाम्पल दिया हुआ है, शॉप का नेम हो, कोई सिनेमा हॉल हो, मार्केट, पोस्ट ऑफिस, बस स्टॉप, कुछ भी जो आपके दादा दादी के घर के पास है वो आपको लिखना है। तो मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है क्या, PVR, जैसे सिनेमा हॉल बेटे यहाँ पे मूवीज़ देखते हैं, सिटी मॉल, कोई भी मॉल हो आपके घर के पास, बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जैसे, कमला मार्केट, जूही पार्लर, ये मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। आपकी ज़रूरी नहीं है आपको यही लिखने, जो आपके घर के आसपास हैं वो आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हिंदी के लिए कमला मार्केट, बेटे जो र के नीचे ये हलंत होता है इसका मतलब वो र आधा है, ठीक है। मार्केट को हम कैसे लिखते हैं वैसे तो, मार्केट, ठीक है, कमला मार्केट। उसके बाद सिटी मॉल, सिटी को कैसे लिखोगे, सिटी, सिटी मॉल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया, ये इंडिया को कैसे लिखोगे, इन डी या इंडिया, ठीक है। उसके बाद है हनुमान मंदिर, ठीक है, मंदिर कैसे लिखेंगे, मंदिर, ठीक है, हनुमान मंदिर हो गया। जूही पार्लर, तो ये सब आप लिख सकते हो अपने एग्जाम्पल के लिए, बाकी इनके अलावा भी आप लिख सकते हो। आज की वर्कशीट में इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।